एसोसिएट कप का दूसरा मैच बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड। टॉस होने जा रही है यहाँ पे और आज का मैच टॉस पर काफ़ी इन्हिसार करेगा और बांग्लादेश ने स्वयं टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। पहली बॉल रहमान बॉलिंग पर हैं, एक रन मिलेगा यहाँ मेबाज के बल्ले से। मेबाज ने पिछले मैच में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की थी और अफगानिस्तान से मैच विन कराया था। दाऊद हैं, एक रन के लिए भागे हैं, फील्डर मौजूद है यहाँ पे, एक ही रन मिलेगा। रहमान अच्छी बॉलिंग करते हुए, बांग्लादेश की टीम काफ़ी शानदार टीम है और अब तो बड़ी टीमों में शुमार होती है और यहाँ पे रन आउट कर दिया है मेबर, जो कि पिछले मैच में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की थी और अफगानिस्तान से मैच विन कराया था और इस मैच में वो रन आउट हो चुके हैं और चार स्कोर किए हैं तीन बॉलों पर। और इस टाइम प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा नदरलैंड पे क्योंकि बहुत बड़ी विकेट गई है। ये देखे रन आउट हुए हैं, रन लेने की जगह नहीं थी जहाँ इन्होंने रन लिया है। लास्ट बॉल करेंगे रहमान, पाँच स्कोर हो चुके हैं एक विकेट और खूबसूरत बॉल बीट कराई है, एक ओवर के एग्जाम पे पाँच स्कोर। शाकिबुल हसन आया, शाकिबुल हसन काफ़ी ही एक्सपीरियंस बॉलर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस ऑलराउंडर हैं और बीट कराई है शाकिबुल हसन। दूसरी बॉल करेंगे यहाँ पे, ज़बरदस्त बॉलिंग, चार बॉलें बीट करा ली हैं शाकिबुल हसन ने और यहाँ पर चार रन मिले हैं। पाँचवीं बॉल पर बाउंड्री लगी है यहाँ पर शाकिबुल हसन को, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे लेकिन यहाँ पे बाउंड्री ने नदरलैंड की जान में जान डाली है। चार रन मिले हैं यहाँ पे और लास्ट बॉल करेंगे शाकिबुल हसन, बीट कराई है बॉल यहाँ पे, रन आउट हो सकते हैं और यहाँ पे भी देखना होगा, करीबी मामला है यहाँ पे लेकिन अंपायर ने साफ उंगली खड़ी करके बता दिया है कि ये आउट है। कॉपर कॉपर कर रहे हैं बैटिंग और दो रन मिलेंगे यहाँ कॉपर के बल्ले से, 11 स्कोर दो विकेट के नुकसान पे और तीसरे ओवर की तीसरी बॉल, जबरदस्त शॉट लेकिन फील्डर मौजूद है यहाँ पे, डाई लगा के कैच किया है और तीसरी विकेट यहाँ कोपर, नौ बॉल पर छः स्कोर किए हैं और बड़ी शानदार कामयाबी मिली है यहाँ बांग्लादेश को। रोक के रखा हुआ है बांग्लादेश ने नेदरलैंड को, बेट कराया यहाँ पे बॉल और लास्ट बॉल है इस टाइम तीसरे ओवर की, 11 स्कोर हो चुके हैं तीन विकेटें और यहाँ पे उठाई है शॉट बाउंड्री लाइन से बाहर, छः रन मिले हैं, खूबसूरत शॉट। अच्छा एक चीज़ देखनी होगी कि जो भी बल्लेबाज आ रहा है नेदरलैंड का वो हिट करने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत ही शानदार चीज़ है कि यहाँ पर बीट कराई है, मिराज बॉलिंग पर हैं। दूसरी बॉल करेंगे मिराज, यहाँ पर उठा दिया शॉट, ज़बरदस्त शॉट है, देखना होगा, छः रन मिले हैं यहाँ पर, शानदार पावर हिटिंग कर रही है नेदरलैंड की टीम। मेराज को पड़ा है यहाँ पे एक ही रन, एक ही रन पड़ेगा क्योंकि सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं है। मेराज हैं, बरेसी बैटिंग कर रहे हैं और एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। पांचवी बॉल करेंगे मेराज, ज़बरदस्त शॉट, ओ हो, क्या शानदार टाइमिंग की है और क्या शानदार पिक किया है बॉल को, 80 मीटर का छक्का लगा दिया यहाँ पर। और लास्ट बॉल करेंगे इस टाइम मिराज, काफ़ी लंबा ओवर हो चुका है मिराज का, उठाइए शॉट, एज हुआ है और एक ही रन मिलेगा यहाँ। 10 डोइस शानदार बॉलिंग बैटिंग करते हुए, 10 डोइस हैं बैटिंग पर, बीट कराई है बॉल इस टाइम, अहमद है बॉलिंग पर। दूसरी बॉल करेंगे अहमद यहाँ पे, शॉट खेली है फ्रंट पे, 6 रन पावर हिट, ज़बरदस्त शॉट थी, 81 मीटर का छक्का और ज़बरदस्त प्रेशर में। चौथी बॉल करेंगे यहाँ अहमद, टेंडोइस बैटिंग पर हैं, टेंडोइस ने लगाई है शॉट, शानदार 6 रन एक और छक्का और यहाँ नेदरलैंड मैच में वापसी आते हुए बहुत ही शानदार छक्का लगाया है। और अहमद इस टाइम पांचवी बॉल करेंगे और बीट कराई है बॉल, ज़बरदस्त बॉल, टेंडोइस हैं बैटिंग पर, ओ लेग बाई हुई है यहाँ पर, एक ही रन मिलेगा और इस टाइम 45 रन किए हैं नेदरलैंड की टीम ने और 46 रन करने होंगे बांग्लादेश को। और पाँच ओवर के एग्जाम पे 38 रन किए हैं यहाँ बांग्लादेश ने और नेदरलैंड ने ये मैच 7 रन से जीत लिया, काफ़ी शानदार खेल का मुजाहरा किया नेदरलैंड की टीम ने और 10 डोस्कैथ थे मैन ऑफ द मैच, आज शानदार बैटिंग की है उन्होंने, ज़बरदस्त नेदरलैंड ने काफ़ी शानदार जी। तो
स्टैंड स्कोटे बताइएगा आज ने कैसे शानदार बैटिंग किया है। जी बस मेरा सिर्फ यही इरादा था कि स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा किया जाए और